हमने मोमेंटम के बारे में जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम होता है। और हम क्या देख रहे थे, इसका कंजर्वेशन देख रहे थे कि यानी मोमेंटम चेंज नहीं होता, वो कंजर्व रहता है, कि उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमने क्या करा, हमने दो बॉल्स ली, एक बॉल ए थी एक बॉल बी हो गई। तो ये बॉल ए है ये बॉल बी है। तो बॉल ए का मास कितना था, एम ए, और बॉल बी का मास कितना था, एम बी। दोनों का मास अलग-अलग है। और अब क्या है, दोनों बॉल चल रही हैं, दोनों बॉल्स क्या है चल रही हैं, और एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं। लेकिन इनकी स्पीड क्या क्या है या वेलोसिटी क्या है अलग। इसकी वेलोसिटी कितनी है यू ए, और इसकी वेलोसिटी कितनी है यू बी। और हम देख चुके थे कि अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर होंगी तो भी नहीं टकराएंगी, अगर बी वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी नहीं टकराएंगी। लेकिन अगर हम एक ऐसा केस लेते हैं कि हम मानते हैं इसकी स्पीड ज्यादा है, यू ए ज्यादा है यू बी से, यानी पहली बॉल तेज चल रही है, तो कुछ देर बाद ऐसा कुछ होगा कि ये दोनों टकरा जाएंगी। अब ये दोनों बॉल्स टकरा गई, इस वाले फिगर में ये बॉल्स टकरा गई। और टकराने के बाद क्या हुआ कि टकराने में टाइम टी लगा, कुछ टाइम लग गया टी। उस टाइम टी में इस ए बॉल ने बी बॉल पे फोर्स लगाया, उसका नाम हमने दिया एफ ए बी। एफ ए बी फोर्स लगाया पहली बॉल ने। अब इसी तरीके से इसके इक्वल और अपोजिट एक रिएक्शन होगी एक्शन के। तो ये जो बॉल बी है ये भी फोर्स लगाएगी, इस फोर्स को हमने क्या कहा एफ बी ए। बी बॉल ने ए पे फोर्स लगाया एफ बी ए, और ए बॉल ने बी पर फोर्स लगाया एफ ए बी। अब जब ये फोर्स लग गया, फोर्स लगने के बाद दोनों की क्या हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो इसका मास तो एम ए ही है, इसका मास भी एम बी है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अब टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी, पहले वाली बॉल की वेलोसिटी वी ए हो गई, सेकेंड बॉल की वेलोसिटी वी बी हो गई। तो ये हमारी सिचुएशन है, दो बॉल्स थी, यू ए और यू बी वेलोसिटी से चल रही थी, टकराई, फोर्स लगाया एक दूसरे पर, और टकराने के बाद मास तो चेंज होगा नहीं, वो एम ए और एम बी ही रहेगा, और उनकी फाइनल वेलोसिटी यानी टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या हो गई, यू वी ए और वी बी। तो टकराने के बाद की वेलोसिटी वी से है, टकराने से पहले की वेलोसिटी यू से है, तो ये कोलिजन हो गया, टकरा गई। तो यहां पे दिखा रखा है, देखो इसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। तो यहां पे दो बॉल जब टकरा रही हैं तो उसमें क्या लगाया हमने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखते हैं इसके आगे क्या हो रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 9.1 द मोमेंटा प्लूरल ऑफ मोमेंटम। तो देखो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो जिन चीजों में यूएम लगता है, जैसे मोमेंटम, जिन भी चीजों में पीछे यूएम लगता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ए लगाते हैं, यूएम हटा के ए लगा देते हैं। तो मोमेंट का जो है क्या बना, मोमेंटम, मोमेंटम का मोमेंटा, ऐसी स्टेडियम होता है, तो स्टेडियम का जो है प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यूएम हटा के ए लगाएंगे। तो स्टेडियम का प्लूरल क्या होता है, बहुत सारे स्टेडियम है, तो क्या क्या बनेगा प्लूरल, स्टेडिया। इसी तरीके से मोमेंटम का जो है क्या प्लूरल बना, मोमेंटा। तो यानी यहां पे एक मोमेंटम नहीं था, दो बॉल थी, तो ज्यादा एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल लगेगा। तो मोमेंटा ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो बॉल ए के लिए क्या मोमेंटम हुए, दो, जो दो मोमेंटम हुए वो क्या था, पहले क्या था एम ए यू ए, ये कैसा था बिफोर कोलिजन, ये कैसा था बिफोर कोलिजन होने से पहले, ये बॉल ए के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। और कोलिजन के बाद क्या आ गया, एम ए वी ए, एम ए वी ए, तो ये आ गया हमारा। अब इसी तरीके से क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो था उसी की तो हमने फोर्स कहा था, हमने पहले ही पढ़ा था सेकेंड लॉ से पहले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, उसी को हमने क्या कहा था, फोर्स कहा था। तो फोर्स कितना लगाया था इसने फर्स्ट बॉल ने, एफ ए बी, एफ ए बी ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी। तो अब ये कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगाना है, तो पहले तो सबसे पहले मोमेंटम में चेंज निकालते हैं, तो एम ए वी ए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम ए यू ए, ठीक है। और इसकी हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से, क्योंकि फोर्स किसके बराबर था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो एम ए कॉमन ले लिया,
ब्रैकेट में क्या रह गया, वी ए माइनस यू ए और डिवाइड बाई टी, तो ये हमारा आ गया फोर्स आ गया एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी ए, क्योंकि इसका बाद में मोमेंटम कितना हो गया था एम ए वी ए, शुरू में मोमेंटम कितना था एम ए यू ए, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए उसकी डिवाइड किससे कर दी टाइम टी से, तो ये हमारा फोर्स आ गया, फोर्स आ गया। अब सेकंड बॉल के लिए निकालते हैं, अब इसी तरीके से हम सेकंड बॉल के लिए निकालते हैं, तो सेकंड बॉल का जो शुरू में जो बिफोर था कोलिजन से उसमें कितना मोमेंटम था एम ए सॉरी एम बी, इसके लिए सेकंड बॉल के लिए बी है, बी बॉल के लिए क्या हो गया एम बी, तो बॉल बी के लिए निकाल रहे हैं हम, तो एम बी यू बी, ये तो बिफोर था, आफ्टर कितना हो गया, आफ्टर हो गया हमारा एम बी वी बी, टाइम तो सेम लगाए टी, टाइम कितना लगाए टी, तो अब इसका देखते हैं इसमें फोर्स कितना लगा, तो इसका जो फोर्स था उसे हमने किससे दिखा रखा था एफ बी ए, तो एफ बी ए फोर्स क्या हुआ चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो मोमेंटम चेंज निकालते हैं, तो फाइनल मोमेंटम एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारा मोमेंटम चेंज आ गया टाइम रेट के साथ, तो ये फोर्स आ गया इस तरीके से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले मोमेंटम चेंज निकाल के उसकी टाइम से डिवाइड कर दी। अब इसको इसको एम बी कॉमन ले लेते हैं, ऊपर क्या रह गया वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी, तो ये हमारा फोर्स बी ए आ गया। तो इसी तरीके से एफ देखो ये पहला क्या आया एफ ए बी, क्या आया एम ए ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए बाई टी, इसी तरीके से सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल बी, सेकेंड बॉल के लिए हमने तो सॉल्व कराया, इन्होंने सॉल्व नहीं करा, वो फोर्स कितना था एफ बी ए, एफ बी ए कितना आया एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी, तो ये हमारे दोनों मोमेंटा आ गए, दोनों मोमेंटा आ गए फर्स्ट बॉल का भी और सेकेंड बॉल का भी। फर्स्ट बॉल का एम ए ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए बाई टी और सेकेंड बॉल का एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी, तो इस तरीके से दोनों फोर्स आ गए। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या पढ़ाया हमने, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ाया कि दोनों फोर्स इक्वल होंगे, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, डायरेक्शन अलग अलग होगी बट मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एफ ए बी एग्जर्टेड बाई बॉल ए ऑन बॉल बी एंड फोर्स बी ए एग्जर्टेड बाई बॉल बी ऑन बॉल ए मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या पढ़ा है, एफ ए बी जो फर्स्ट बॉल ने सेकेंड बॉल पे लगाया फोर्स वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेकेंड बॉल ने जो फोर्स लगाया है फर्स्ट बॉल पे, बस डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आ गया है, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगी लेकिन ये फोर्स बराबर होंगे, ये हमने कैसे लिया थर्ड लॉ से, तो दोनों को बराबर करते हैं माइनस साइन के साथ। जो फर्स्ट बॉल के लिए जब हमने निकाला था एफ ए बी क्या आया था एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी, तो ये एफ ए बी आ गया। एफ बी ए की वैल्यू क्या थी एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी और यहां पे एक माइनस साइन भी हमने लगा दिया। तो फिर से देखा हमने एफ ए बी की वैल्यू लगाई एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी, एफ बी ए की वैल्यू क्या लगाई एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी और यहां पे एक माइनस साइन भी लगा दिया क्योंकि ये माइनस के साथ इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया क्योंकि फोर्स क्या होते हैं इक्वल और अपोजिट होते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे दोनों साइड, पहले टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो गया टी से टी कैंसल आउट हो गया क्योंकि सारा मल्टीप्लीकेशन है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एम ए वी ए, तो हमारे पास क्या आया पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आएगा एम ए वी ए और यहां से क्या आएगा माइनस एम ए यू ए, माइनस एम ए यू ए ये किसके इक्वल है, इधर से टर्म से देखेंगे माइनस एम बी वी बी और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एम बी यू बी, तो ये हमारे टर्म्स आ गए। अब इसमें क्या करते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यू वाले टर्म एक साइड ले लेते हैं, वी वाला टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो पहले एक ये माइनस एम ए यू ए एक
और ये वाला टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो इधर माइनस है, तो माइनस एम ए यू ए, और यहां से भी ये इधर इस साइड जाएगा लेफ्ट में, माइनस आ जाएगा एम बी यू बी। तो इस तरीके से एक टर्म तो ये आ गया किसके इक्वल है, इधर हमारे पास पहले से क्या है माइनस का एम बी वी बी, और ये वाला भी राइट गया तो ये भी हो गया माइनस का, तो माइनस एम ए वी ए। तो अब सारी की सारी इक्वेशन माइनस में, सारा दोनों साइड माइनस कैंसिल कर देते हैं, सारा माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये किसके इक्वल आया एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये हमारी इक्वेशन आ गई है।